हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। बेटा एज यू नो, हम थर्ड लेसन कर रहे थे वर्किंग विद विंडोज़, जिसमें हमने हाफ लेसन का प्रैक्टिकल कर लिया था। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ताकि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। तो आपका ये जो प्रैक्टिकल होगा, ये आपका कंप्लीट लेसन का प्रैक्टिकल होगा। तो बेटा फर्स्ट जो था हमारा, वो था फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो बेटा मान लीजिए हमने फाइल वर्ड में बनानी है, तो हम सर्च में जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च में जाकर माइक्रोसॉफ्ट सर्च करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आई है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसमें हमने फाइल क्रिएट करनी है। हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जो हमारी है फाइल, ये बेटा हमारी ओपन हो गई है। अब हमें इसमें कुछ भी लिख टाइप करना है। यू कैन टाइप व्हाट यू वांट। मान लीजिए मैंने ये टाइप किया है क्लास फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन थर्ड वर्किंग विद विंडोज़। अब बेटा ये मेरी फाइल जो है ये क्रिएट हो गई है। अब मैंने इसको सेव करना है। बेटा हम इसको दो तरीक़ों से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी और यहाँ लेफ़्ट साइड क्लिक करके सेव आ जाएगा इससे भी। तो बेटा जो कंट्रोल एस है वो आपकी शॉर्टकट की है, आपने उसको लर्न करना है, याद रखना है कंट्रोल एस। देखो मैंने कंट्रोल एस टाइप किया तो हमारे पास ये ओपन हो गया। इससे हम फाइल को जहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं, लाइक मैंने यही दे दिया जो हमारा था टाइटल क्लास फोर्थ। अब हम इसको बेटा सेव कर देंगे। तो जो हमारी फाइल है ये सेव हो गई है। इसको ओपन करने के लिए लाइब्रेरीज़ में हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इसको। तो देखो डॉक्यूमेंट्स ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्लास फोर्थ वाला था जो डॉक्यूमेंट वो ओपन हो जाएगा। ये देखो जो हमारी फाइल थी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो बेटा अब हम इस फाइल को कॉपी और कट कैसे कर सकते हैं। बेटा कट और कॉपी दोनों अलग चीज़ें हैं। बेटा कट का मतलब होता है अगर हम इस फाइल को कट करेंगे तो ये फाइल इस लोकेशन से कट हो जाएगी, और जिस लोकेशन पे हम इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी। अगर हम सेकंड इसको कॉपी करते हैं तो ये फाइल यहाँ पे भी कॉ रहेगी और जिस जगह पे हम इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहेगी। तो फर्स्ट मैं इसको कट करती हूँ। मैंने इसको कट किया, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद कट, और इसको मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी, फिर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखो बेटा ये जहाँ पे पेस्ट हो गई है, लेकिन हम इसको अगर लाइब्रेरीज में जाकर चेक करेंगे तो जो वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हमने इसको कट किया है और ये कट करने के बाद जहाँ पर नहीं है दूसरी जगह पर पेस्ट हो गई है। अब बेटा सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारे पास AST, इसको हम कॉपी करेंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, कॉपी, और इसको भी हम अगर डेस्कटॉप पे ही कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए बेटा कंट्रोल V से भी कर सकते हैं, सॉरी पेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में भी आ गया है और ये हमारा लाइब्रेरीज़ में भी है, क्योंकि हमने इसको कॉपी पेस्ट किया है। नेक्स्ट बेटा फाइल और फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं। बेटा इस फाइल से हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है, और बेटा हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। देखो नीचे रीनेम की ऑप्शन है। रीनेम करने के लिए हम इसको जैसे रीनेम पे क्लिक किया तो देखो जो हमारा पहले नेम था वो डार्क ब्लू कलर का हो गया है,
हम उसको बैक कर देंगे और मान लीजिए हमने इसका नेम रख दिया ASZ, एंटर। तो ये हमारा नेम चेंज हो गया। सेम ऐसे ही डिलीट होगा बेटा, राइट क्लिक करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। यस, तो बेटा ये जो आइटम है, हमारी फाइल है, ये डिलीट होकर रीसाइकल बिन में चली जाएगी। वो देखो, ये रीसाइकल बिन में चली जाएगी हमारी जो फाइल है। रीसाइकल बिन में क्लिक करेंगे, ये देखो जो हमारी फाइल हमने डिलीट की थी वो रीसाइकल बिन में चली गई है। बेटा अगर हमारी एक फ़ाइल गलती से रीसाइकल बिन में चली गई है, मतलब डिलीट हो गई है, तो हम उसको रीसाइकल बिन में जाकर दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस फाइल को रीस्टोर करना है ASZ, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर करेंगे। तो ये हमारी फ़ाइल जो थे वो हमारी रीस्टोर हो गई है। देखो, तो अब बेटा हमें अगर रीसाइकल बिन को कम्प्लीटली डिलीट करना है, उसमें से सारे फोल्डर्स को डिलीट करना है, देन हम रीसाइकल बिन पे राइट क्लिक करेंगे और एम्प्टी रीसाइकल बिन करेंगे। इससे हमारे रीसाइकल बिन में जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, हमारी फाइल्स को हमने सर्च करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? सेम ऐसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च किया था। उसके लिए बेटा हम पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन सर्च पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हमारे पास ये सर्च आ गया है। सर्च में बेटा हमने नेम फिल करना है हमारी फाइल का। मैंने क्लास किया तो हमारे पास ये क्लास फोर्थ हमारा जो फोल्डर था वो शो हो रहा है। देखो, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो हमारी फाइल थी वो ओपन हो जाएगी। बेटा ये आपका कंप्लीट लेसन का प्रैक्टिकल था। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। बेटा आपने साथ साथ लेसन को भी रीड करना है, साथ साथ में वीडियो को भी देखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।